किसी गांव में एक गुफा थी और उस गुफा की एक खासियत थी कि अगर कोई उसके अंदर गया तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता था। कई बार कई लोगों ने ट्राई किया बट जो कोई भी उसके अंदर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आया। गांव वाले अब उस गुफा से डरने लगे थे उस गुफा के कारनामों से, क्योंकि वो अब गुफा कम रहस्य ज्यादा बन चुकी थी, जिसे जानना तो हर कोई चाहता था बट किसी में जानने की हिम्मत ना थी, और जिसने भी हिम्मत की वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आया। तो ऐसा क्या था उस गुफा में, क्या था उस गुफा का रहस्य, जानेंगे आज के शानदार वीडियो में। कई बार कई लोगों ने ट्राई किया बट जो कोई गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आया, क्योंकि वो गुफा बेहद आलीशान थी। वो गुफा किसी स्वर्ग से कम ना थी। उस गुफा के अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात वो सब कुछ था जो एक स्वर्ग में होता है, और उस स्वर्ग की सुंदरता कोई गाँव वालों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से अंदर जाने वाले लोग दोबारा उस गुफा से लौट कर नहीं आते थे। ऐसा हम सबकी लाइफ में होता है, हम सबके साथ होता है। हम जिंदगी उसे मान लेते हैं जो हमें मिली है, पर असली जिंदगी तो वो होती है जो हमने देख रखी है। लेकिन हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ 60% बच्चों को साइंस इसलिए पकड़ा दिया जाता है क्योंकि साइंस में बहुत स्कोप है, और इसी स्कोप के चक्कर में वो अपनी जिंदगी गुजार देते हैं उस स्कोप को खोजते, और इन सब के चक्कर में एक अच्छा खासा टैलेंट वेस्ट हो जाता है वो टैलेंटेड लड़का जो भीड़ से हटकर कुछ अलग करना चाहता था, क्योंकि ये दुनिया अपनी किस्मत को ही अपनी जिंदगी मान लेती है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी उसे मान लेते हैं जो हमें मिली है, हम अपनी जिंदगी उसे नहीं मान पाते जो हम बनना चाहते थे, और ऐसे में इंसान शिकार हो जाता है निगेटिव लोग, निगेटिव वॉल्स का। और ये वही लोग होते हैं जो एक होनहार लड़के को कमजोर बना देते हैं लाचार, असहाय, एक एवरेज स्टूडेंट। और वही टैलेंटेड लड़का आगे चलकर एक एवरेज जिंदगी जीने लगता है, एक ऐसी जिंदगी जीने लगता है जिसे कोई भी नहीं जीना चाहता है। क्योंकि जब जब कोई सोसाइटी में बदलाव के लिए खड़ा हुआ है तब तब ये जालिम जमाना उसके सामने खड़ा मिला है, क्योंकि लोगों में पच नहीं पाता कोई इस रेट रेस से बाहर निकले इस सोसाइटी के माया जाल से। और ऐसे हालात में जिस बंदे ने हिम्मत कर ली और निकल गया माया जाल से तो फिर वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। ऐसा हम सबके साथ होता है, हम सबकी लाइफ में होता है। सो फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम, नहीं तो आप भी उन गांव वालों की तरह सामने स्वर्ग होते हुए भी एवरेज जिंदगी जीते रह जाओगे। क्योंकि जिंदगी वो नहीं है जो आपको अभी मिली है, जिंदगी वो है जो आपने देख रखी है, जो आपने सोच रखी है। फेलियर का डर होना चाहिए लेकिन वो डर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप जीतने की कोशिश ना कर सको। इट्स यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।